स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट में और मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। 7 जून से WDC फाइनल खेला जाना है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंग्लैंड के दी ओवल के मैदान में और ये मैच होगा 5 दिन का और उसके बाद एक दिन रिजर्व डे भी रखा गया है। पर इससे पहले राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से आए थे स्टीवन स्मिथ जो वाइस कैप्टन है और टीम इंडिया की तरफ से आए थे राहुल द्रविड़, क्योंकि भाई वाइस कैप्टन टीम इंडिया में फिलहाल तो नहीं है कोई भी ऑफिशियली। तो राहुल द्रविड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड की और उनसे जब सवाल पूछा गया कि भाई आपने पिछले 10 साल से ICC ट्रॉफी नहीं जीती है तो उस पर आपका क्या कहना है, क्या आप पर कोई प्रेशर है, तो राहुल द्रविड़ ने साफ शब्दों में कहा कि बिल्कुल भी नहीं, हम पर ICC ट्रॉफी जीतने का कोई भी प्रेशर नहीं है और हमने पिछले 5 से 6 सालों में बहुत अच्छा क्रिकेट खेला है, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ करवाई है टेस्ट में, तो ऐसा नहीं है कि हम ICC ट्रॉफी नहीं जीतना चाहते, हम जीतना चाहते हैं, बट ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि भाई जीतना ही है। तो ये राहुल द्रविड़ का बयान था जिनके रहाने के बारे में उन्होंने बातचीत की कि भाई ये मिडिल ऑर्डर के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं, इंग्लैंड में बहुत अच्छा किया है इन्होंने और स्लिप में बहुत अच्छे फील्डर हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। शुभमन गिल के बारे में बातचीत की, बट साथ ही साथ ये जो फोकस रहा ICC ट्रॉफी ना जीतने का, इस पर राहुल द्रविड़ को अब तक कोई मलाल नहीं है और उसी के बाद से सोशल मीडिया पर यह चर्चा चलने लगी कि अगर टीम इंडिया पर ICC ट्रॉफी जीतने का प्रेशर ही नहीं है तो टीम इंडिया एफर्ट क्यों लगाएगी उतना ज़्यादा कि भाई हमें ICC ट्रॉफी जीतना है। बाकी अगर टीमों की बात करें तो वो हर चीज़ को दरकिनार करते हुए अपनी जो लीग्स हैं T20 लीग्स हैं या फिर जो भी कुछ हो उन सबको साइड में रखते हुए फोकस करते हैं ICC टूर्नामेंट्स में, ICC के मेन इवेंट्स में, चैंपियंस ट्रॉफी होगी, T20 वर्ल्ड कप हो गया, ODI वर्ल्ड कप हो गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो गई, तो हर टीम ये प्रयास करती है कि यार हमें ICC ट्रॉफी जीतना है। बट यहाँ पर भारतीय टीम के कोच कह रहे हैं राहुल द्रविड़ कि हम पर कोई प्रेशर नहीं है। अब अगर प्रेशर ही नहीं है तो फिर टीम इंडिया जीतने के लिए उतना एफर्ट क्यों मारेगी जितना बाकी टीमें मारती हैं। जैसे कि आप सपोज कीजिए कोई टारगेट चेज करना है, वहाँ पर अगर बल्लेबाज पर प्रेशर ही नहीं रहेगा चेज करने का तो भाई वो कैसे चेज कर पाएगा। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होती है। ये जो सवाल का जिस तरह से जवाब दिया राहुल द्रविड़ ने, मैं इस सवाल से मैं क्या, हर कोई जो भी क्रिकेट एक्सपर्ट रहेगा वो इस जवाब से संतुष्ट शायद नहीं होगा, क्योंकि आप डायरेक्टली ये बोल रहे हो कि हम पर कोई प्रेशर ही नहीं है। भाई कोई भी बोर्ड हो, कोई भी क्रिकेट टीम हो, उन पर प्रेशर तो होता है ICC ट्रॉफी जीतने का। आप कप्तान बनाते हो, आप टीम सिलेक्ट करते हो तो यही मकसद से करते हो कि हमें ICC ट्रॉफी जीतना है, हमें ICC के इवेंट्स में अच्छा परफॉर्म करना है। बट राहुल द्रविड़ का ये बयान कहीं ना कहीं एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे रहा है कि भाई हम पर प्रेशर नहीं है, अगर प्रेशर नहीं है तो फिर आप उतना अच्छा खेलोगे क्यों, आप अपने आप को पुश क्यों करोगे। ये एक सवाल ज़रूर राहुल द्रविड़ के जवाब ने दे दिया, खड़ा कर दिया। आपके इस बारे में क्या राय, आपको क्या लगता है, क्या आप राहुल द्रविड़ के इस बयान से संतुष्ट हैं या एग्री करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।